ओके क्लास, टुडे वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक दैट इज टाइम। तो जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्लॉक आती है, ठीक है। तो मतलब 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 4 o'clock, 5 o'clock, 3:15, 5:15, तो इस टाइम से हम अपना टाइम सुनते गए, ठीक है। दूसरी चीज, उसके बाद आते हैं हमारे पास डे एंड मंथ्स, जिसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि उस डे में 5 o'clock को हम वहाँ पार्टी में गए थे। तो इस टाइप से हम सारा टाइम का मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, अपने क्लॉक में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आया था हमारा क्लॉक। क्लॉक में आप लोगों को पता होगा, पहले भी आप कर चुके हैं, इसमें एक आवर हैंड होता है और एक मिनट हैंड होता है। जो स्मॉल वाला हैंड होगा वो कौन सा होगा, आवर हैंड, और जो लॉन्गर हैंड होगा वो क्या होगा, हमारा मिनट हैंड, ठीक है। तो जो हमारा शॉर्ट हैंड है वो हमें बताता है कि हमारा कौन सा आवर चल रहा है, फिफ्थ आवर, सिक्स्थ आवर, सेवन्थ आवर, ठीक है, इस टाइप से। और जो हमारा लॉन्ग हैंड है वो बताता है मिनट्स कि 5 मिनट, 6 मिनट। जैसे 4 और 12 पे होता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पूरा टाइम खत्म हो चुका है। अभी जो गैप देख रहे हैं 1, 2, ये कैरी करता है 5 मिनट्स, ठीक है। वन पार्ट क्या कैरी करता है, 5 मिनट्स। तो अगर 1 पे है तो कितना हो जाएगा, 4 और 4, 5 हो जाएगा। अगर 2 पे आ गया तो कितना, 5 टू 10। तो इस टाइप से ये काम करता है, ठीक है। अगर देखिए, अगर हमारे जो मिनट हैंड है वो 6 पर है तो वो किसका काम करेंगे, 30 का, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करते हैं 30 मिनट, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ये 1 रिप्रेजेंट करता है वो 5 मिनट को करता है, 2 किसको करेगा, 10 मिनट को, 3 किसको करेगा, 15 मिनट को। तो आप 5 के मल्टीपल्स मान लीजिए इन सबको, ठीक है। चलिए, अब जैसे 6 है, 6 5 30, 3 हो गया 4, 30, ठीक है। ये 3 है, 3 × 5 करेंगे तो 15 हो गया, ठीक है। 9 है ये, तो ये क्या, 9 5 से कितना होता है, 45, ये हो गया, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में लिखा हुआ है एक्सरसाइज 9.1, राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक, ठीक है। ये नोबल शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड किस पर है, 12 पर, तो कितना हो गया, 2 o'clock, ठीक है। अब जैसे ये दे रखा तो कितना हो जाएगा, 11 o'clock, राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक। अब यहाँ पे देखिए, शॉर्ट हैंड किस पर, 7 पर, तो ये हो गया 7, और कितनी मिनट्स हो गई, 6 पर है, तो 6 5 30, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास 10 हो गया और ये कितना हो गया, 3, तो कितना हो गया, 10। तो आर हो गए मिनट्स कितनी हो गई, 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 7 पर शॉर्ट हैंड है तो हो गया आर, और 45 पे कितना हो गया, क्योंकि 9 पर तो कितना हो जाएगा, 45, तो ये हो जाएगा 7:45, ठीक है। तो इस टाइप से हमें ये करना है। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्लॉक्स बनानी है। चलिए, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या टाइम दिया हुआ है, 6:45। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 पे शॉर्ट हैंड बनाइए, बना दिया, एंड लॉन्ग हैंड किस पे बनाएंगे, 9 पर, तो ये हो गया हमारा 6:45, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं 5 o'clock। अगर हम शॉर्ट हैंड किस पे बनाते हैं, 5 पर बनाते हैं, और 12 किस पे बनाते हैं, 12 पर, मिडिल हैंड में आते हैं तो हो जाएगा हमारा 12 o'clock। चलिए, अब आ जाते हैं डेज ऑफ द वीक। जब भी हम डेज की बात करते हैं, फर्स्ट डे हो जाता है मंडे, सेकेंड डे हो जाता है ट्यूसडे, थर्ड होता है हमारा वेडनेसडे, फोर्थ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सेवन्थ आ जाता है हमारा संडे, ठीक है। तो ये पैटर्न आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना है, वैसे तो याद होगा क्योंकि हम डेली लाइफ में इसको बहुत यूज करते हैं, क्योंकि आप लोग टाइम टेबल सेट करते होंगे अकॉर्डिंग टू योर डेज। चलिए, तो इसमें एक्सरसाइज पर आता है 7.2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसमें लिखा हुआ है द सेकेंड डे ऑफ द वीक। सेकेंड डे ऑफ द वीक कौन रखा है, वहाँ ट्यूजडे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्यूजडे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन पर आता है, विच डे विल कम आफ्टर ट्यूजडे की, आफ्टर ट्यूजडे के बाद कौन है हमारा, वेडनेसडे, ओके, यहाँ लिख देंगे वेडनेसडे, ठीक
अब वेडनेसडे के आफ्टर कौन है? थर्सडे. मंडे के बाद कौन आता है आफ्टर मंडे? ट्यूसडे. तो आप इजीली कह सकते हैं. अब आता है बिफोर. तो सैटरडे से बिफोर कौन है? फ्राइडे. ठीक है. आंसर द फॉलोइंग. विच व्हाट इज द डे टुडे? देखो आज क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो आज शायद थर्सडे है. ठीक है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो कुछ छोड़ देना हो तो आप उस हिसाब से लिख लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से आज क्या हो रहा है? थर्सडे. ठीक है, थर्सडे. सॉरी. ठीक है. विच डे इज इट यस्टरडे? तो थर्सडे से पहले क्या था हमारा वेडनेसडे? ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है मंथ एंड ईयर का. देखो जब भी हम मंथ और ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मंथ की मैंने से फर्स्ट जनवरी होता है, सेकंड फेब, थर्ड मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, तो यहाँ पे डेज आ जाते हैं. फिर 31st, पहला 31st होगा. ठीक है, उसके बाद 28, 29 लीप ईयर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते हैं. अगर लीप ईयर होगा मतलब आपका कोई भी ईयर जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, जैसे 2024 जैसे आप कहेंगे क्या हमारा लीप ईयर है, इस ईयर में जो फेब है उसमें 29 डेज होंगे. तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे? 29 डेज. अगर मार्च की बात करें तो उसमें कितने आएंगे? 31. तो आपको कैसे करना है, देखो जैसे ये इसमें रेस्ट वाला गिवन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. ठीक है, तो ये जो हमारे पार्ट है इनमें 31 होगा, ये नीचे वालों में 30. ठीक है, तो आप इस हिसाब से भी काउंटिंग कर सकते हैं. चलिए, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.3. हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी मंथ्स मेक एन ईयर? कितने मंथ्स होते हैं हमारे पास? 12. अगर आप इन सब काउंट करोगे तो 12 हो जाएंगे. मंथ्स है 30 डेज. 30 डेज के आपके कितने? जैसे कि 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो हमारे पास कितने मंथ्स हो गए जिसमें 30 डेज कैरी होते हैं? 4. तो आपको इस टाइप से इनके आंसर्स देने हो जाएंगे क्योंकि इजी है. उसके बाद आते हैं मैच द फॉलोइंग. आज मुझे बताना है अप्रैल, इसमें फर्स्ट मंथ, फिफ्थ मंथ, फोर्थ मंथ, थर्ड और सेवन्थ मंथ. तो अप्रैल कौन सा मंथ होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. तो फोर्थ मंथ हो गया, उसके लिए हम इसको मैच कर देंगे इसको. ठीक है, मार्च कौन सा मंथ होता है? थर्ड मंथ. चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए एंड फाइंड आउट एंड राइट. ओके, इन विच मंथ गांधी जयंती फॉल्स? गांधी जयंती कौन से मंथ में होती है? तो ये आपको क्या करना है, कैलेंडर में देखना है. वैसे मैं बता देता हूँ, अक्टूबर में होती है. ठीक है, चलिए. आई होप आपको टाइम है, मेजरमेंट अच्छे से समझ में आया होगा. आप लोग इसे प्रैक्टिस करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.